इसके देश की राजधानी दिल्ली में सौरभ भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं, आपने सब कुछ खोल दिया, तो अब ये बताइए, आपकी सरकार ने रोज आके कहा कि अब सब गतिविधियों को हमें चलाना है, अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, और जैसे ही लोगों ने घर से बाहर कदम रखा तो केजरीवाल जी फिर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, हमने सब कुछ सील कर दिया है, अब कोई बाहर से नहीं आएगा दिल्ली में। तो सर देश की राजधानी है, यहां तो बहुत सारे कारोबार चलते इसीलिए कि कोई बाहर से आ रहा और कोई बाहर जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, तो कैसे सर दो तरफा चीजें कैसे चलेंगी? सौरभ जी, जी मैं रोहित जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बहुत सालों बाद आपके शो पे आया और आप बहुत अच्छी तरह इस शो को चला रहे हैं, हर एक की खिंचाई और हर एक से सवाल कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। देखिए मैं इस चीज पे बहस नहीं करता कि लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन ही इकलौता इफेक्टिव मेजर रहा जो बाकी हमारे देशों में हमें दिखा कि लॉकडाउन से कोरोना को पॉज किया जा सकता है। सवाल सिर्फ कुछ कोरोना को लगाते वक्त जो उठ रहे हैं वो ये हैं, और मुझे लगता है हम भी इसके दोषी हैं कि हमने ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछे, पहले क्यों नहीं सोचे कि जिस दिन लॉकडाउन लग रहा था, मान लीजिए उस दिन 550 केसेस थे पॉजिटिव पूरे देश में, हमें अपनी सरकारों से सवाल करना था, केंद्र से, सबसे, कि आज ये लॉकडाउन लगा है, कब तक के लिए लगा है, क्या सिचुएशन हम अचीव करना चाहते हैं, किस स्टेट को हम अचीव करना चाहते हैं जिसपे हम ये कहेंगे कि हाँ अब लॉकडाउन खोला जा सकता है। उस वक्त कम्युनिकेशन ये था कि हम कोरोना को हरा देंगे, और जब हरा देंगे तब तक के लिए हमें लॉक रहना है। उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि लॉकडाउन हमने 500 पे किया है, जब 200,000 हो जाएंगे तब लॉकडाउन को खोला जाएगा, क्योंकि आम तौर पे डर लग रहा है कि जब 500 पे इतना डर था तो 200,000 पे ज्यादा डर होगा। क्वेश्चन दूसरा ये है कि लॉकडाउन क्यों दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को मजबूर होना पड़ रहा है कि लॉकडाउन को खोलें? उसका कारण ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल के अंदर है, बहुत बुरे हाल के अंदर है। डेढ़ महीने, पौने दो महीने, सवा दो महीने चलाने के बाद लॉकडाउन, हमारी राज्य सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं बच रहे हैं कि हम अगले महीने की तनख्वाहें दे सके। और ये हमारे ही नहीं, ये सबका यही हाल है, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी के पास पैसा नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे दूसरे राज्यों में हुआ, आप देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये हुआ कि केंद्र सरकारों ने राज्यों को पैसा दिया, और इसलिए पैसा दिया कि हम जानते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, इकोनॉमी नहीं चल रही, आपके पास पैसा नहीं है, ये लो पैसा और इस पैसे से आप सरकार चलाओ, क्योंकि जान बचानी है लोगों की, ठीक है। दूसरा, उद्योगों को, छोटे छोटे धंधों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, छोटे काम चलाने वालों को, सबको पैसा दिया गया कि अब लॉकडाउन और भी बढ़ेगा तो ये लो पैसा और इससे आप अपनी जिंदगी चलाओ। समस्या सिर्फ हमारे ये थी और ये है कि लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन जैसा भी था मगर लॉकडाउन ने कोरोना को रोका हुआ था, वरना ये लॉकडाउन बहुत बढ़ता। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें कोरोना मजबूरी में लॉकडाउन को खोलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि आप लॉकडाउन खोलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रोजेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन सौरभ, एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना सर, आज आपने कहा कि हम दिल्ली को सील कर रहे हैं, सर हवाई जहाज दिल्ली से चल रहे हैं, हवाई जहाज दिल्ली में लैंड हो रहे हैं, आपने सड़क पे बॉर्डर सील कर भी दिया तो भी लोग तो आपके यहाँ आ ही रहे हैं, ट्रेन दिल्ली से चल रही है, ट्रेन दिल्ली में आ रही है, आपने दिल्ली हरियाणा, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद में 4 पुलिस के लोग लगाकर नाका लगा भी दिया वहां पर कि केवल एसेंशियल सर्विस वाले को आने देंगे जिसके पास पास है, तो भी ट्रेन से तो जिसको आना है वो आ ही रहा। तो ये सीलिंग क्या केवल दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि नहीं देखो हम चिंता भी कर रहे हैं? नहीं, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, और अभी कोई सीलिंग नहीं की गई है। अभी लोगों से राय मशवरा लिया जा रहा है और उसके हिसाब से, जैसे आपने इनपुट दिया, ये मुझे बड़ा अच्छा इनपुट लगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर विचार विमर्श करके ही किया जाएगा। दिल्ली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि कोरोना के लिए मतलब हमारे पास पर्याप्त हॉस्पिटल्स हों, बेड्स हों, दवाइयां हों, ये सारी चीजों के लिए ही ये एक हफ्ता दिया गया है। हम भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों से भी मशवरा ले रहे हैं, एक्सपर्ट से भी मशवरा ले रहे हैं क्या किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि गाजियाबाद, नोएडा, कांग्रेस की सलाह नहीं लेते जगहों को,
वो आपसे भी देखिए, ये नाराज तो रहते मिलते हैं, आलू केंद्र की की ने सरकार सलाह से भी दी नाराज हम। रहते हैं। हाँ, जी कांग्रेस से हमें सलाह लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्वागत है आलोक जी, और कोई भी सलाह दें तो इसका बिल्कुल स्वागत रहेगा।